हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शारजा रमजान T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर कारवा सीसी वर्सेस अवर्सो क्रिकेट क्लब के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ICC अरेबियन T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ पर केरला T20 कवर कर रहे हैं उसके मैचेस के भी वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ IPL ये पूरा लीग हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसके भी मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटेसी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिएगा @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 9:45 पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट ऐसे बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, देखो 110 के प्लस आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। इवन यहाँ पर पेशर्स को शुरुआत के अंदर हेल्प मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रन्स बनते हैं, अच्छे खासे रन्स बनते हैं। यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को कहीं ना कहीं एडवांटेज है, लेकिन देखो 39 में से 21 बार यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 18 बार यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती। तो यहाँ पर आंकड़े पहले बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन पिछली आई थिंक 9 मैच की बात करूँ तो उसमें से 8 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है, सिर्फ एक ही बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। तो पिछले कुछ मैचेस के अंदर आंकड़े यहाँ पर चेंज हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप बात करें सबसे पहले से KWN की, तो 4 मैच खेली है, 3 मैच जीती है, 1 मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है, तो कमर अमन और ऐसे अबू जर तारिक दोनों ओपनिंग करवाए। इंपोर्टेंस की बात करो तो दोनों ही इंपोर्टेंस रहने वाले हैं, क्योंकि कमर अमन देखो कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से पहली मैच के अंदर 67 रन की पारी खेली थी और रेगुलर ओपनिंग करवा रहे हैं। पिछली टूर्नामेंट के आंकड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई बार इन्होंने बड़े स्कोर भी किए, इवन यहाँ पर कई बार ये विकेट भी चटका लेते हैं, तो कई बार टीम को जरूरत पड़ने पर एक दो ओवर्स की गेंदबाजी भी करवा लेंगे, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अबू जर तारिक वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, जैसे वकास अली वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। देखो बात करें ऐसे आमिर हमजा की, आमिर हमजा के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि T20 के अंदर भाई साहब का बल्ला चले ना चले, लेकिन यहाँ पर T10 के अंदर वेस भाई साहब यहाँ पर कंसिस्टेंट रहते हैं, और वही हुआ लास्ट मैच के अंदर 40 रन की पारी खेली, इसके पहले इन्होंने 29 रन के साथ 2 विकेट निकाली थी। तो इंपॉर्टेंस रहेंगे आमिर हमजा, एक बार फिर से भी हम लोग हमारी टीम के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैच खेली है सारी मैच के अंदर हमारी टीम का हिस्सा रहे यहाँ से आमिर हमजा, और एक बार फिर से भी हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। बिलाल चिमा ओके रहेंगे अभी के लिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहेगा इनका, तो इनको तो बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। बाकी बाबर इकबाल की बात करें तो बाबर इकबाल का ऐसा ही रहता है, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, और वैसे भी ये लीग मैच के अंदर ज़्यादातर ओवर्स करवाते नहीं हैं, लेकिन जब भी ओवर्स करवाते हैं तब यहाँ पर विकेट पक्का निकालते हैं। देखो यहाँ से एक दो ओवर्स की गेंदबाजी करवा ली तो एक दो विकेट पक्का निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इनको एज अ प्लेयर आप लोग चाहो तो रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि ओवर्स करना चाहिए, अगर ओवर्स कराए तो पक्का यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट्स देगा। बाकी बात करें से कासिफ दाऊद की, वह इंटरनेशनल प्लेयर है तो इस बंदे को जरूर ट्राई करेगा, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहा, लेकिन वैसे ये इंटरनेशनल प्लेयर है तो हम लोग भरोसा इनके ऊपर कर सकते हैं। क्या वैसे जाहिद अली की बात करते हैं तो जाहिद अली कंसिस्टेंट है, ये प्लेयर हमेशा मेरी टीम का हिस्सा रहता ही है, तो इनको मैं लेके जाऊंगा। जिसान अहमद की बात करो तो एज अ डिफरेंस लिए में अगर कोई चॉइस है मिले तो ट्राई कर सकते हो। बाकी तारिक महमूद वेरी इंपॉर्टेंट पिक एज अ प्लेयर के साथ, यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाली, इसके पहले 3 विकेट निकाली थी, इसके पहले विकेट लेस रहे थे, पहली मैच के अंदर 3 विकेट निकाली थी, तो एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है, इवन यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा, तारिक महमूद लेके जाना है। सैराज पिया भी कंसिस्टेंट नहीं है, टूर्नामेंट के अंदर अभी तक ओवर्स कभी करवाते कभी नहीं करवाते, तो इनको भी थोड़ा सा रिस्की खेलो, ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तभी ट्राई करेगा, स्मॉल लीग के लिए इनको लेके जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इनके अलावा बेंच की बात करूँ तो बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट वगैरह वहीं पर मिलेगी। अभी इंपॉर्टेंस कौन रहेगा,
एक तो ऐसे अंसार खान है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, सैफ अली गौरी, ये दोनों प्लेयर खेलते हो डेफिनेटली आप लोग लेके भी जाएगा। इवन अंसार खान की बात करो तो ये तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर फुरकान खलील और मौजम हयात, जो कि पिछली कई टूर्नामेंट से नहीं खेल रहे लेकिन दोनों ही यहाँ पर तगड़े प्लेयर हैं। इवन मौजम हयात की बात करो तो इनकी तो 60 प्लस की एवरेज है। ओवरऑल रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में अगर खेलते हैं तो वो दिक्कत आप लोग छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर प्लेयर खेलता है तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। अभी के लिए बात करें हम लोग ऐसे टीम ओएससी की, जो कि 4 मैच खेली है, 3 मैच जीती है, 1 मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है? तो मोहम्मद आरिफ और यहाँ पर फैसल रहमान दोनों ओपनिंग करवाए। आरिफ अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन दो बार अच्छे स्कोर करवा चुके हैं, 22 और 36 जैसे, तो ट्राई करोगे। फैसल रहमान की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला 25 रन किए। लास्ट मैच की बात करो तो लास्ट मैच में भी हमारे वाइस कैप्टन थे और इसके पहले वाली मैच के अंदर हमारे कप्तान थे, तो इंपॉर्टेंस रहेगा एज अ प्लेयर। इवन यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। रथन आई के, आई थिंक यहाँ पर रथन आई के भी वाइस कैप्टन, इन दोनों में से कोई भी एक वाइस कैप्टन था, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आई थिंक शायद रथन आई के ही थे। तो फैसल रहमान पहली मैच के अंदर कप्तान थे और दूसरे मैच के अंदर रथन आई के हमारे वाइस कैप्टन थे और दोनों ही हमारे लिए एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस एक बार फिर से रहेंगी। आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। हर्षा पूरे वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे भाई, ये श्रीलंका के डोमेस्टिक प्लेयर है, 33 रन किए पहली मैच के, नहीं 31 किए और दिखेंगे आपको कहाँ पर, तो दिखेंगे आपको बैटिंग सेक्शन से लेके जाना है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। पुबुडू भंडारा जिसकी खेलो तो ट्राई करेगा। बाकी रेशन सुदीप की बात करो तो इनसे मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 1 रन किया और पहली मैच के अंदर बैटिंग नहीं आई। ओवरऑल 25 मैच के अंदर करीबन 36 के एवरेज से 676 रन है, भरोसा कर सकते हैं इनके ऊपर, लेके जा सकते हो। विमुक्ति कुलाटुंगा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। यहाँ पर मोहम्मद उबैदुल्ला वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इस बंदे को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी बात करें ऐसे फदी जफर कुकुट की, तो फदील जफर कुकुट की बात करो तो ये पिछली दोनों मैच के अंदर हमारे पंट प्लेयर रहे और दोनों ही मैच के अंदर बंदे ने विकेट भी निकाला, अच्छा खासा एडवांटेज भी दिया। इनको लेके जाने के पीछे एक ही रीजन था कि 82 मैच के अंदर 96 विकेट है, जहाँ पर इन्होंने 276.5 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई है और साथ ही में यहाँ पर करीबन 20 की एवरेज से 400 रन भी किए हुए, तो बैटिंग करने का भी जब भी मौका मिलेगा तब यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो ऐसे 20-25 रन भी करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे फदी जफर कुकोट एक बार फिर से हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। इनके अलावा ऐसे डुमिंडू कस्तूरियाची एक विकेट निकाला है, इसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो रिस्की खेलर ट्राई करिएगा। बाकी अब्दुल गफूर सद्दाम की बात करूँ तो ये शायद यहाँ पर एक आधी ओवर्स करवा सकते हैं, तो इन दोनों प्लेयर को आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह खेलो, तब स्मॉल लीग के लिए रिस्की रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तो ट्राई करिएगा। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह वहीं पर मिलने वाली है। इंपॉर्टेंस की बात करो देखो ईशान घोष अगर खेलेंगे तो एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंस रहेंगे, इवन यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे। इनके अलावा से चरिका बुद्धिका 2 मैच खेले हुए लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, हालांकि लास्ट मैच जब खेले थे तब एक विकेट जरूर निकाली थी, तो इस बंदे के ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते। बाकी कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग जैसे अब्दुल्ला तारिक के साथ जाएंगे। इनके अलावा बैटिंग सेक्शन की बात करो तो बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर हर्ष कुरे, इनके अलावा ऐसे मोहम्मद आरिफ है, इनके अलावा ऐसे आमिर हमजा है, वकास अली है और कमर अवान हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। बाकी यहाँ पर लोग चाहो तो ऐसे सद्दाम वगैरह को रिस्की तौर पर ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो ऐसे आर रथन आई के, इनके अलावा ऐसे टीम महमूद है और जिसान अली हमारी टीम के अंदर रहेंगे और यहाँ से काशिफ दाऊद, आई थिंक ऐसे काशिफ दाऊद या काशिफ दाऊद की जगह पर मैं ऐसे फैसल रहमान को ट्राई करूँगा। तो ये कुछ हो गए 4 ऑलराउंडर ऐसे रथन आई के, टी महमूद, फैसल रहमान और जैद अली। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैटिंग सेक्शन से हर्ष कुरे या फिर ऐसे आरिफ की जगह पर यहाँ पर काशिफ दाऊद को जरूर ट्राई कर सकते हो। आप लोग कुकुट को जरूर ट्राई कर सकते हो, दोनों प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। देखो कुकुट आपके लिए एक बार फिर से पंट प्लेयर बन सकता है, काशिफ दाऊद भी पंट प्लेयर बन सकता है। बॉलिंग सेक्शन से ओनली वन यहाँ से कुलाटुंगा रहेंगे, तो और अदर चॉइस की बात करो तो अदर चॉइस मैंने आपको सारी दे दी हुई है। अदर चॉइस की बात करो तो देखो टीम पहली ये बनती है और दूसरी टीम बनाएंगे हम लोग या अदर एप्लीकेशन के लिए, ताकि आपको भी तकलीफ ना हो। अब्दुल्ला तारिक को लिया है मैंने, यहाँ से लिया है हम लोग आरिफ हमजा, वकास अली और कमर अवान, इन दोनों को लेंगे। यहाँ से इन दोनों प्लेयर को आप लोग ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में रतन आई के, महमूद, यहाँ से फैसल रहमान और यहाँ से जाहिद अली को लिया हुआ है, और बॉलिंग सेक्शन से उबैदुल्ला कुलाटोंगा और यहाँ पर ओके जैसान अहमद, इन तीनों प्लेयर को लिया है। तो ये कुछ रहेगी टीम, तो देखो दोनों ही टीम मैंने आपको बता दी है, जो लोग ड्रीम इलेवन में खेलते हैं उनके लिए ये टीम रहेगी,
और जो लोग अदर एप्लीकेशन इसमें खेलते हैं उनके लिए ये टीम रहेगी। तो बाकी टीम को जिस तरह से रहेगी याद रहे, इसमें भी बहुत सारे बदलाव वगैरह देखने को मिलेगी। और फाइनल टीम आपको जो भी रहेगी वो टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।